देखिए, फर्जी कश्मीरी पंडित है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीर से है, किस तरह के निजी हमले ये लोग करते हैं, किस तरीके के वो नकली गांधी है। अरे आप तो असली गोडसेवादी है, गांधी के हथियारे हैं, ये तो स्वीकार है। कितनी बौखलाहट है, किसने रोका है? मोदी जी के अलावा दूसरा नेता को बताइए, चुनौती दे रही हूं, घर से निकलने की हिम्मत नहीं है आप लोगों की, क्योंकि जनता खड़ी है आपको घेरने के लिए। आज कर क्या रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी जी को कोई काम बचा है? बहरूपिया बनके कभी मटन बनाने लगते हैं सावन में, कभी कुली का बिल्ला उधार मांग के चिपका लेते हैं जैसे गांधी नाम उधार के चिपकाया हुआ है। इस नैरेटिव से देश चलाना चाहते हैं? हमारे पास नेताओं की कमी है, ऐसा बॉम्बार्डमेंट ऑफ नेता होता है कि आप लोग बिल बिलाने लगते हैं। हम तो बिल लेके आया, बिल बिलाने आप लगे। ओबीसी की चिंता है आपको? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ओबीसी राहुल गांधी को पता भी ओबीसी क्या होता है? और मैंने बोला नकली गांधी है, इसलिए कहता हूं नकली गांधी है क्योंकि विरोध गांधी थे, गांधी नहीं थे। इतिहास पढ़िएगा। जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा मनोरंजन के लिए ही है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारी एक और न्यूज डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो होने वाला है इंडिया टीवी के शो कुरुक्षेत्र का और साथ ही टाइम्स नाउ नवाद के शो धरती पुत्र का। दोस्तों आज की इस डिबेट के अंदर 2024 के चुनाव को लेकर बहस होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता अलका लांबा के बीच में आपको काफ़ी तीखी बहस इस डिबेट में देखने को मिलेगी। और साथ ही दोस्तों इस डिबेट के अंदर जनता भी काफ़ी कड़े क्वेश्चन कांग्रेस से पूछेगी। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक दोस्तों देखते जाइएगा। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विपक्ष ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इंडिया वर्सेस इंडिया होगा। अरे पहली बात तो आप इंडिया है नहीं, आप I.N.D.I.A. है, इंडिया अलायंस जो बहुत जल्दी इंडिगो होने वाले हैं। मतलब अपने नेता पे जिसको भरोसा नहीं है वो खटपट कर सामने चुनाव लड़ेगा? अपने नेता राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, आपने टीवी स्क्रीन पे कह दिया ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इंडिया वर्सेस एनडीए होगा, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल नहीं होगा, राहुल गांधी पे इनको भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को। ये तो ये एक मिनट, ये मेरी समस्या नहीं है, ये कांग्रेस दोबारा आऊंगा ना आपके पास प्लीज। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, इतनी कर्टसी सीखे कम से कम, बदहवासी में आने की जरूरत नहीं है। आज कर क्या रहे राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी को कोई काम बचाया है? बहरूपिया बनके कभी मटन बनाने लगते हैं सावन में, कभी कुलीर का बिल्ला उधार मांग के चिपका लेते हैं जैसे गांधी नाम उधार का चिपकाया हुआ है। इस नैरेटिव से देश चलाना चाहते हैं? जिस जिस राज्यों में आपकी सरकार है वहां खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, हर जगह भ्रष्टाचार की आग लगी हुई है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कैश कैश निकल रहा है, कहां से आ रहे हैं कैश? उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? और ऐसे ऐसे मंत्रियों को लेकर चल रहे हैं, अरे खुद बेल पे हैं, खुद बेल पे हैं, 5,500 करोड़ के घोटाले में नेशनल हेराल्ड के सारे संपत्ति अपने नाम पे करवा ली, ऐसा फर्जी आदमी कभी देखा है? 2014 के बाद के चुनाव में देश में एक परसेप्शन बना कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो इसका मतलब है कि मोदी की गारंटी ही सबसे पहले इस देश का नैरेटिव और देश का परसेप्शन बनी। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान में घुस के उनको मारा, उरी के बदला लिया, एयर स्ट्राइक की, तो लोगों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। जब राम मंदिर आज बन रहा, भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, तो लोगों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। धारा 370 हटाई, आज कश्मीर के विकास का पैमाना बदल गया है, जो अभी कश्मीर की दुहाई दे रही थी, जिन्होंने लाखों कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ दिया, खुद फर्जी कश्मीरी ब्राह्मण होने का ढोंग करते हैं। अब आज कश्मीर के लोग भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कश्मीर में अभी कम से कम 300 सुपर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित हो चुके हैं, एम्स बन रहा है, कश्मीर की सूरत बदल रही है, जाके देखिए वहां पे आबोहवा बदल गई है। और उसी आबोहवा का मतलब था कि आराम से जाके लाल चौक पे तिरंगा फहरा के आ गए, नहीं तो लाल चौक जाने की हिम्मत थी आज से पहले? हम गए थे 1991 में, लाल चौक पे तिरंगा फहरा के आया था आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद, यही प्रधानमंत्री मोदी थे, समझ गई ना? तो ये सब हवाबाजियां अब छोड़ दीजिए, 9.5 साल में हिम्मत करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सौरभ जी जैसे पत्रकार जो देश के सवाल उज्ज्वलित है उसे सवाल पूछना चाहते हैं। और इनकी देखिए, फर्जी कश्मीरी पंडित है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीर से है, किस तरह के निजी हमले ये लोग करते हैं, किस तरीके के निजी, वो नकली गांधी है। अरे आप तो असली गोडसेवादी हैं, गांधी के हत्यारे हैं, ये तो स्वीकारेंगे, इससे इनकार करेंगे कि गोडसे आरएसएस से नहीं था, गांधी की हत्या गोडसे ने नहीं की थी, जिस विचारधारा में आप हैं। और उसके बाद क्या हुआ, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता थी कि कर्नाटका में भाजपा को ओंधे मुंह गिराया, वहां पर पूर्ण बहुमत की हमने सरकार बनाई, हमने हिमाचल में भाजपा की डबल इंजन की सरकार गिराई, बहुमत से बनाई। 5 राज्यों के चुनाव है, कश्मीरी पंडितों की याद आ रही है ना, जम्मू कश्मीर में चुनौती तो दी है, स्वीकार नहीं किया, चुनाव कराकर दिखाइए 5 राज्यों के सामने। आपको पता है इन 5 राज्यों में आप ओंधे मुंह आकर गिर रहे हैं, और राहुल गांधी जी चाहे ट्रेन में जाए चाहे आजादपुर मंडी के अपना मस्जिद, कितनी लाहट है, किसने रोका है? मोदी जी के अलावा दूसरा नेता तो बताइए, जो गरीब किसान में जा रहा हो, या यात्रा, एक चुनौती देती हूं, निकल जाइए ना एक यात्रा पर, रथ यात्रा तो आपने निकाली थी बहुत पहले, हां अब एक यात्रा और करिए, चुनौती दे रही हूं, घर से निकलने की हिम्मत नहीं है आप लोगों की, क्योंकि जनता खड़ी है आपको घेरने के लिए, क्योंकि मीडिया को आपने घेरने का मौका नहीं दिया, लेकिन जनता घेरेगी आपको। और घबराइए मत, राहुल गांधी जी पर जितने निजी हमले करेंगे, जितनी भाषा प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे निम्न स्तर पर लेकर आएंगे, उतना ही लाभ भारत को भी मिलेगा और इंडिया को भी मिलेगा। हमारे पास तो प्लेथोरा ऑफ नेता हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं, उसी से इनकी हालत खराब हो जाती है। उत्तर प्रदेश के नेता को हमारे भूल गए क्या? कांग्रेस को चार अर्थी, चार कंधे भी नहीं मिले अर्थी उठाने के लिए, अपनी 2 पे सिमटा दिया।
नेताओं की कमी है। गृह मंत्री अमित शाह को आप हमारे भूल गए क्या? अरे भाषा देखिए, धारा 370 से आपकी आवाज नहीं निकल पाई और रोज दिन आपको जवाब देते हैं तो आप लोग बिल बिलाने लगते हैं। आगरा में राजनाथ सिंह जी को भूल गए क्या? राजनाथ सिंह को भूल गए? हमारे रक्षा मंत्री को? हमारे पास नेताओं की कमी है? ऐसा बॉम्बार्डमेंट ऑफ नेता होता है कि आप लोग बिल बिलाने लगते हैं? हम तो बिल लेके आए, आप बिल बिलाने आप लगे। ओबीसी ओबीसी की चिंता है आपको? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ओबीसी राहुल गांधी को पता भी ओबीसी क्या होता है? और मैंने बोला नकली गांधी है, इसलिए कहता हूँ नकली गांधी है क्योंकि फिरोज गांधी थे, गांधी नहीं थे। इतिहास पढ़िएगा। और राहुल गांधी ना पितृवंश है ना मातृवंश है, दोनों वंश से हिंदू नहीं है, इसलिए मैंने कहा फर्जी ब्राह्मण। ठीक है, जरा पढ़ लीजिए अपने आप को, अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। अब बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा, जो मुझे बोलना था वो जनता ने सुन लिया। आप बीच में बिल बिलाते रहिए, इसी तरह बिल बिलाने की आदत ना, बिल बिलाइए और जोर जोर से करते हैं। जो बिल बिलाइए, बिल बिलाइए अच्छे से, बिल बिलाइए अच्छा, और बिल बिलाइए। राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं होगा। राहुल गांधी और मोदी का मुकाबला नहीं होगा, ये कांग्रेस कह रही है। ये जनता के लिए हंसने का सबसे अच्छा मुद्दा है। सौरभ जी, आज आपके डिबेट का लास्टिंग पॉइंट ये हो गया कि कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है राहुल और मोदी का मुकाबला हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए, आएंगे मोदी जी ही, क्योंकि राहुल गांधी जी कहीं से भी है ना पीएम बनने के लायक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले वो है ना आनंद विहार रेलवे स्टेशन में गए थे, देखे थे पहिया वाला जो बैग था, पहिया वाला बैग को सुन लीजिए पहिए वाले बैग को ऊपर उठाकर चल रहे थे। अरे भाई, वो ट्रॉली वाला बैग है, उसको नीचे लेकर। ऐसे लोग देश के पीएम बनेंगे, बताइए आप। थोड़ा पोस्चरिंग भी होती है, कहते दिखाते जो हैं, लोगों को लगता है कि भैया भार उठा सकते हैं। अगर ब्रीफकेस का, अटैची का भार उठा सकते हैं, बैग का भार उठा सकते हैं, तो देश की जनता जो जिम्मेदारी है उसका भी भार उठा लेंगे। तो इसका मतलब है कि देश की जनता को आप गधा समझते हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। आप दिखावा करके देखो, हम मेहनती है, हम आम इंसान की तरह जी रहे हैं। इसका मतलब है कि आम लोगों को आप गधा समझ रहे हैं। जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा मनोरंजन के लिए ही है। दोस्तों, सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज़ कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिख के जाएगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों ये डिबेट 2024 के चुनाव को लेकर थी, जिसमें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता अलका लांबा ने अपने अपने पक्ष इस डिबेट में रखे। और इस डिबेट के अंदर जनता ने भी काफ़ी कड़े क्वेश्चन कांग्रेस से इस डिबेट में पूछे। लेकिन दोस्तों इस डिबेट का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट रहा जब जनता में खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि जियो का डेटा और सोनिया का बेटा मनोरंजन के लिए ही काफ़ी है। दोस्तों ये सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट इस डिबेट का रहा। अब बात करते हैं दोस्तों 2024 के चुनाव की, जिसमें अलका लांबा मैम ने कहा कि इस बार 2024 के चुनाव में इंडी गठबंधन एनडीए के ऊपर भारी पड़ने वाला है। वही दूसरी तरफ जो अजय आलोक साहब है, उन्होंने कहा कि भैया कोई नहीं है टक्कर में मोदी जी के सामने। और बात रही मोदी जी के अलावा नेता की, तो हमारे पास योगी जी, राजनाथ जी, अमित शाह जी, कई नेता ऐसे हैं कि आपको अकेले ही वो चित कर सकते हैं। खैर दोस्तों, ये तो राजनीति है, चलती रहेगी। 2024 में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो सब जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी क्या राय है इस डिबेट को लेकर, और आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या एनडीए फिर से सत्ता में आने वाली है, या फिर इस बार इंडी गठबंधन हमें सत्ता में देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके देगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।